hello class 8 i am your mathematics teacher uh, children i have started chapter 21 circle and i have given you the idea about circle diameter and radius today we will come will come across some different terms related with the circle so first of all you will see here the number one is interior of the circle what do you mean by interior of the circle suppose this is a circle and this is the center and this is the radius so Within this boundary, whatever the points are there, this is the interior of the circle, the part of the plane. Consisting of ऑफ ऑल points whose distance from द सेंटर ऑफ द सर्कल is लेस than द रेडियस ऑफ द सर्कल मतलब वो सभी पॉइंट जो कि रेडियस ऑफ जितना है उसके अंदर में जैसे यहाँ से यहाँ तक रेडियस है उसके अंदर जितने भी पॉइंट्स आ रहे हैं जो भी पार्ट आ रहे हैं वो सब इंटीरियर ऑफ द सर्कल के अंदर आते हैं एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल देखो यहाँ पे जैसे कि एक प्लेन क्रिएट कर दिया गया है और उसके अंदर में क्या एक सर्कल है तो यहाँ से यहाँ तक रेडियस है अब रेडियस से ज़्यादा जो भी पार्ट है वो क्या है एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल तो कोई भी प्लेन का वैसा हिस्सा जो कि सर्कल के रेडियस से ज़्यादा है और सर्कल के रेडियस से कम होगा तो वो इंटीरियर है और सर्कल के रेडियस से ज़्यादा होगा तो वो एक्सटीरियर है तो ये सर्कल के रेडियस से ज़्यादा जितने भी पार्ट्स होंगे वो क्या होंगे एक्सटीरियर ऑफ द सर्कल है ठीक है तो इंटीरियर मतलब विद इन द सर्कल अगर शॉर्ट में कहें तो एन एक्सटीरियर आउटसाइड द सर्कल ठीक है उसके बाद है दस सर्कल उसके बारे में बता चुके हैं सर्कुलर रीजन जितने भी पॉइंट्स हैं सर्कल के अंदर उसके ऊपर या उसके अंदर लाइक करते हैं उसे क्या कहते हैं सर्कुलर रीजन में लाइक कर रहे हैं रेडियस बता चुका हूँ कॉड कॉड क्या होता है जैसे कि एक सर्कल है ये क्या है सेंटर से लाइन पास कर रहा है डायमीटर है इसका हाफ करे तो रेडियस है तो जो भी लाइन सेंटर से पास नहीं करे ये सेंटर से पास कर रहे नहीं कर रहे ये कर रहे नहीं कर रहे ये भी नहीं कर रहे उसे हम कॉर्ड कहते हैं अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाई ऑन अ सर्कल इज कॉल्ड अ कॉर्ड लेकिन ये सेंटर से पास नहीं कर दोनों एंड के तरफ देखो लाई कर रहे हैं लेकिन सेंटर से पास नहीं कर रहा उसे कॉर्ड कहते हैं ठीक है तो बहुत सारे कॉर्ड्स हो सकते हैं डायमीटर अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल पासिंग थ्रू इट्स सेंटर इज कॉल्ड डायमीटर वैसा कॉर्ड डायमीटर भी एक तरह का कॉर्ड ही है जो कि सेंटर से पास करता है दोनों तरफ एंड में उसके बाद सेकेंड क्या होता है सेकेंड जो है वैसा लाइन जो कि सर्कल के किसी दोनों तरफ में किसी दो दोनों तरफ में क्या करे इंटरसेक्ट करे जैसे कि लाइन है एक्स वाई ये इस तरफ में एम पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया और इस तरफ में एन पॉइंट पे इंटरसेक्ट किया तो लाइन विच इंटरसेक्ट द सर्कल एट टू डिस्टिंग पॉइंट वैसा लाइन जो कि किसी सर्कल को दो अलग अलग पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे उस लाइन को सेकेंड कहते हैं ठीक है थीके? उसके बाद टेंजेंट एक सर्कल है इसके ऊपर अगर कोई यहाँ से इस सर्कल को टच करते हुए परपेंडिकुलरली कोई लाइन जाता है उसे हम टेंजेंट कहते हैं जैसे कि यहाँ भी देखो एक सर्कल है और ये टेंजेंट बना हुआ है टेंजेंट का प्रॉपर्टीज क्या है टेंजेंट क्या बोले उसके डेफिनेशन में परपेंडिकुलरली सिर्फ एक ही पॉइंट को टच करते हुए तो ये जो टेंजेंट है पी क्यू वो इस सर्कल को टी पॉइंट पे टच कर रहा है कैसे टच कर रहा है एट द एंगल नाइन्टी डिग्री परपेंडिकुलरली टच कर रहा है सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ़ द ट्रेंजेंट कि वो उसको क्या करता है एक ही पॉइंट पे टच करता है और परपेंडिकुलरली टच करता है तो परपेंडिकुलर टच किया और ये सर्कल का सेंटर और ये रेडियस तो ये जो रेडियस है वो ट्रेंजेंट के क्या हुआ परपेंडिकुलर हुआ नेक्स्ट है नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल फ्रॉम अ पॉइंट इन साइड इट सर्कल के अंदर के किसी पॉइंट से किसी सर्कल पे आप टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं बाहर के ही पॉइंट से ड्रॉ होगा ओनली वन एंड ओनली वन टेंजेंट कैन बी ड्रॉन टू अ सर्कल एट अ पॉइंट ऑन द सर्कल ठीक है किसी एक पॉइंट पे आप एक ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो वहाँ पे दो टेंजेंट नहीं हो सकता है नंबर फोर टू टेंजेंट्स कैन बी ड्रॉन टू अ अ सर्कल फ्रॉम पॉइंट आउटसाइड द सर्कल जैसे कि एक सर्कल है इसके बाहर में एक पॉइंट है तो इस पॉइंट से इस तरफ में एक टेंजन ड्रॉ किए और इस तरफ में एक टेंजेंट ड्रॉ किए कितने की है इस से? दो दो से ज्यादा किसी सर्कल के बाहर किसी पॉइंट से आप उस पॉइंट से उसी पॉइंट से दो टेंजेंट से ज्यादा टेंजेंट नहीं ड्रॉ कर सकते हैं मैक्सिमम दो ही टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं उस पॉइंट से और मिनिमम वन ठीक है आर्क ये एक आर्क है सर्कल जब ड्रा करते हैं तो ऐसे एक आर्क बनाते हैं ना पूरा तो ये एक ए बी ए सी बी क्या है एक आर्क है ठीक है या हम ऐसे कह सकते हैं कि बी डी ए क्या है एक आर्क है जैसे ये सेंटर पे कॉम्पस रखे ऐसे घुमाएं कंस्ट्रक्शन तो अभी आप लोग को ऑनलाइन एवेल्यूशन में करवा नहीं सकते हैं तो ऐसे ही बस समझना है सेमी सर्कल सर्कल का ये हाफ पार्ट क्या कहलाता है सेमी सर्कल उसके बाद माइनर आर्क एंड मेजर आर्क तो ये जो आर्क है वो छोटा है ए पी बी ये माइनर आर्क है और ए क्यू बी ये मेजर आर्क है ये बड़ा है ना यहाँ से यहाँ तक क्या होगा बड़ा है और ये वाला छोटा है तो ये माइनर आर्क कहलाएगा और जो बड़ा आर्क होगा वो मेज़र आर्क कहलाएगा उसके बाद है सरकम जो कि मैं डिस्कस कर चुका हूँ एंगल सबटेंडेड बाई एन आर्क ये जो आर्क है ये ए ये जो आर्क है छोटा वाला यहाँ पे जो एंगल बना रहा है सेंटर के साथ ये देखो तो ये भी रेडियस है ओ ए क्या है रेडियस है ओ बी भी, भी क्या है रेडियस है सेंटर से बाउंड्री तक के डिस्टेंस को क्या कहते हैं रेडियस कहते हैं तो जब दो रेडियस हैं उनके बीच में जो एंगल बना वो एंगल एट द सेंटर कहलाता है वेन द टू रेडियाई एट द एंड इज कॉल्ड एंगल एंगलेंडेड बाई द आर्क ऑन द और द सेंट्रल एंगल तो ये एक आर्क है सपोज ए पी बी ये आर्क ये दो रेडियस यहाँ पे जो एंगल बनाए उसे क्या बोलेंगे एंगल सब्टेंडेड बाई दिस आर्क एट द सेंटर सेगमेंट ऑफ सर्कल सेगमेंट है ये माइनर सेगमेंट ये मेजर सेगमेंट यहाँ आर्क नहीं ये जो सेगमेंट है ये जो हिस्सा है और ये एक हिस्सा है तो ये कम है ये माइनर है और ये ज़्यादा ये मेजर है फिर ये एक सेक्टर है है ना देखो सेक्टर बना हुआ है इसको सेक्टर बोलेंगे ये सेगमेंट बोलेंगे जो कि स्ट्रेट लाइन की तरह जा रहा है ठीक है ये आर्क था आर्क मतलब ऐसे जो कर्व है ठीक है क्वाड्रेंट क्या होता है तो अगर एक सर्कल को हम चार पार्ट में करें तो ये क्वाड्रेंट हो गए कितने क्वाड्रेंट हो गए चार क्वाड्रेंट हो गए फर्स्ट सेकेंड थर्ड एंड फोर्थ ये क्वाड्रेंट कहलाता है तो स्टूडेंट्स इस चैप्टर में आप लोगों को ऑनलाइन एवेल में कंस्ट्रक्शन तो कुछ करना नहीं है आप लोगों को इन सब टर्म्स के बारे में जान लेना है जो कि मैंने डिस्कस किया था प्रीवियस क्लास में और आज की क्लास में जो मैंने डिस्कस किया इनके बारे में जानना है और ये जो बैक में जितने भी ट्रू फॉल्स हैं फिल इन द ब्लैंक्स है इन्हें आपको कंप्लीट करना है सो so, यहीं पर यह चैप्टर ख़त्म हो जाता है और आपकी ऑनलाइन इवेल्यूशन फाइव में इसी तरह के थोरेटिकल क्वेश्चन ही इस बार मैथ से आएंगे थैंक यू